हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, दोस्तों इसमें जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई हुई, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, डेट ऑफ पब्लिकेशन और एडवर्टीजमेंट 2/8/2024 है। 5 अगस्त को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 15 अगस्त तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए ये कुछ डेटा हैं, जो कंटेंट्स हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन वाइज दिया हुआ है कि किस पेज नंबर में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई। टोटल 30-32 पेज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर इतना हैव टू, मतलब इस एडवर्टीजमेंट के अगर अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है तो हैव टू अप्लाई अफ्रेश फॉर दीज पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ CET रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको यहाँ पर CET का रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से अप्लाई करना होगा आपके पास। अगर आप इस एडवर्टीजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास CET का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट वगैरह की। तो 18 साल से 42 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसेंशियल में ये है कि भाई आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए एज अ वन सब्जेक्ट मैट्रिक व या हायर एजुकेशन में। देखिए यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। जैसे DMER हरियाणा में जूनियर की वैकेंसी, जिसमें 2 जर्नल की है और टोटल 2 है। MSME में टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की टोटल यहाँ पर जर्नल की 2 है, SC की 2 है, BCA की 1 है, BCB की 1 है, AWS की 1 है। इसी तरह विभिन्न डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी हैं। देखिए मैकेनिकल के लिए है लैब असिस्टेंट की टोटल, जिसमें 6 जर्नल है, 2 SC है और अदर देख सकते हैं आप, यहाँ इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। उसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। और इसी तरह बहुत सारी पोस्टें हैं जहां पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। देखिए जो पहली पोस्ट है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहां कहां एलिजिबल है, उसको मैं दिखा देता हूं आप सभी लोग को। देखिए ये जो 41 पोस्ट नंबर है, यहां पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। ये देखिए MSME लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर, ठीक है। इसके अलावा 42 पोस्ट नंबर में, जिसमें आप देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आर्किटेक्ट वाले भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 साल का टीचिंग 1 ईयर पार्शियल टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और भी बाकी पोस्ट हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। देखिए इसी तरह कंप्यूटर टेक्नीशियन की वैकेंसी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट GIS की वैकेंसीज है, जिसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके पास डिप्लोमा कहीं पे भी डिप्लोमा मांगा हुआ, जैसे 3 ईयर डिप्लोमा विद मिनिमम सेकंड डिवीजन CS से ये एप्लीकेशन या IT वगैरह से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सारी पोस्ट हैं। इसके बाद 19 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ कॉरपोरेशन में ग्रुप 5 लेवल 6 की वैकेंसीज है, जहां पर आर्किटेक्ट वगैरह के लिए यहां पर वैकेंसी है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट यहां पर मांगा गया है। 133 वैकेंसियां यहां पर हैं ग्रुप 7 में, जिसमें आपका देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर, मार्केटिंग ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की भी वैकेंसियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट में जो HSSC की तरफ से आता है वहाँ पर वैकेंसीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। लॉ वगैरह की वैकेंसी, अगर आपके घर में कोई लॉ वगैरह किया हुआ तो उन्हें भी आप बता सकते हैं कि लॉ वगैरह की वैकेंसी भी HSSC में आई हुई हैं। देखिए तो आप कहीं के भी हो, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास CET होना चाहिए, ठीक है। ये एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और 10th में आपका दोस्तों हिंदी या संस्कृत एज अ वन सब्जेक्ट आपका ज़रूर होना चाहिए। बेसिकली इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप पे आ सकते हैं और ये PDF जो है वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी लोग को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।